जय हिंद दोस्तों, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, यूनिट प्लेस ऑफ ए सर्च और इंडिसेस। कोई भी सर्च या इंडिसेस दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, जो आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। चलिए उसको हम समझते हैं। आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपका एक नंबर है 3254, इस पर पावर है आपका 1793, इंटू 415, इस पर पावर है आपका 317, इंटू 241, इस पर पावर है आपका 419। तो इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। देखने से ये लगता है बहुत मुश्किल है, कितना मुश्किल है। यदि आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जाएँ तो आप इसको बरसों में भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका कुछ मेथड्स है, कुछ ट्रिक्स है। चलिए इसको आप अच्छे से समझिए, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से नंबर पे कौन सा पावर होगा तो कौन सा डिजिट होगा। चलिए इसको आप समझिए, देखिए 3254 लास्ट में 4 है, यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 1 है। तो इसको हम विस्तार से आपको समझाते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको आप समझिए, सपोज आपका ये मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि 1 है आपका लास्ट में, 1 पे आप कोई भी नंबर एंड कर दीजिए, आप 1 पे पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी करेंगे, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 1 होगा। इसी तरह का एक नंबर है 5, इस पे भी पावर आप कुछ भी कीजिए एंड, लास्ट डिजिट आपका इसका 5 ही होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का 4 625, 5 का 5 3125, लास्ट में आपका 5 ही आ रहा है। इसी तरह का एक नंबर और है आपका 6, इस पर भी पावर n कर दें, कोई भी नंबर, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, ये सेम इसमें भी होगा, यहाँ पे भी होगा। 6 पे कोई भी पावर होगा तो उसका आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 ही होगा। तो ये आपको तीन चीज़ आपको याद रखना है, 156 पे कोई भी पावर होगा, चाहे नंबर ऑड हो, इवेन हो, एनी नंबर हो, तो उसका लास्ट डिजिट आपका सेम नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा 5 है, तो लास्ट डिजिट इसका हो जाएगा आपका 5। यहाँ पे देखिए 1 है, इसका लास्ट डिजिट आपका हो जाएगा 1, तो 5 × 1 = 5। अब 4 का हम समझेंगे, 4 है तो क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। सपोज अब आप देखिए 4 है, 4 पे स्क्वायर क्या होता है, 4 पे स्क्वायर करेंगे होगा 16, 4 पे क्यूब करते हैं 16 × 4 = 24, 4 पे आप 4 करते हैं पावर तो होगा 24 × 6 = 250, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया आप, 4 का स्क्वायर आपका 16 हुआ, 4 का क्यूब आप करेंगे तो 64 होगा, 4 पे पावर 4 करेंगे तो 64 × 4 मींस होगा 256। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 पे यदि इवेन नंबर है, स्क्वायर है, 4 पावर है, तो लास्ट का डिजिट आपका 6 आ रहा है। यदि ऑड नंबर है, 3 है, 5 देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 पे यदि इवेन नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट आपका 6 आ रहा है, और यदि 4 पे ऑड नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट आपका 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है, यहाँ पे आपका ऑड नंबर है, तो इसका लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 = 20, 20 आ जाएगा, 20 × 1 = 20 आ गया, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया आपका, इसका 0 हो गया। तो आंसर ये हो गया आपका ए नंबर, ये ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, चलिए इसको एक बार फिर से समझिए। आप देखिए 156, इस पर आप कोई भी पावर हो, जिस नंबर के लास्ट में 1 है, 5 है, 6 है, कोई भी पावर हो उस पर, तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 4 के केस में क्या हो रहा है, यदि उसके पावर इवेन नंबर उस पर पावर है तो उसका लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, यदि उस पर ऑड पावर आ रहा है तो लास्ट डिजिट आपका 4 आ रहा है। तो उस फॉर्मूला से हम देखिए, इसका 5 आएगा लास्ट डिजिट, इस पे लास्ट में 1 है, इस पे पावर 419 है, कोई बात नहीं, इस पर इसका जो है आपका लास्ट यूनिट डिजिट जो होगा 1 होगा। और 3254 इस पे ऑड नंबर है,
ऑड नंबर है तो आपने यहाँ पे देखा कि उसका लास्ट डिजिट 4 होगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 × 1, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ यदि प्लस होता तो हम प्लस करते, तो मल्टीप्लाई है 4 × 5 20 × 1 20, 20 का आपका लास्ट डिजिट आप ये है आपका लास्ट डिजिट 0, तो इसका आंसर आप हो गया 0, दैट इज ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उस पर कौन सा पावर आने से उसका क्या यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा, उसको विस्तार से समझाते हैं। तो चलिए अब आपको मैं रूल बताता हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी सर्च या इंडिसेस दिया हुआ है, कोई भी नंबर पे पावर दिया हुआ है तो उसका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए एक छोटा सा मैंने टेबल बनाया है, इसको समराइज किया है, इसको आप अच्छे से समझिए और इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको समझिए, आपका है लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, मैंने टेबल बनाया है एक लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, उसमें लास्ट डिजिट होगा, उस पर कौन सा पावर ऑन नंबर, उस पर कौन सा पावर होगा तो उसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये मैंने आपको बनाया है। चलिए देखते हैं 1, 5, 6, मैंने आपको जैसा पहले एक्सप्लेन किया 1, 5 और 6, इस पर एनी नंबर हो, चाहे ऑड हो, इवेन हो, कोई भी नंबर हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 छोड़कर, ये एन 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़कर के कोई भी नंबर होगा तो इसका लास्ट डिजिट आपका 1 आएगा। इसी तरह 5 है कोई नंबर, जैसे 2, 3, 5 है, उस पर आपका कोई भी नंबर पावर हो, 2, 3, 7 है तो उसका लास्ट नंबर आपका जो यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस पे 5 होगा। इसी तरह किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 6 है तो उस पर कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो आपका 6 आएगा। इसी तरह दूसरा है आपका 4 और 9, 4 पे पावर n है और 9 पे पावर n है, 4 पे पावर n है, n यदि इवेन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा 6 होगा, और 4 यदि आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो उस पर आपका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा उसका वैल्यू होगा 4। इसी तरह आपका 9 है, 9 पे पावर n है, इसका यदि n इवेन है तो उसका वैल्यू आएगा 1, और n यदि ऑड है तो उसका वैल्यू आएगा 9। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे 3, 5, 4 है, इस पे आप 7, 2, 9 कर दिए तो इसका वैल्यू आपका आएगा, देखिए ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या आएगा 4, और यदि यहीं पे 3, 6, 7, 4 इस पे पावर 724 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 है और इस पे पावर क्या है आपका, इवेन नंबर है तो इवेन नंबर रहता है तो इसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा ये होगा आपका 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझिए, जैसे 1 है, इवेन नंबर है, 399, इस पे पावर आपका 400 है, क्या है लास्ट में 9 है, इस पे पावर इवेन नंबर है तो क्या आएगा इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट आएगा आपका 1। इसी तरह आपका एक नेक्स्ट एग्जांपल है 499, इस पे पावर आ गया 497, 499 है, इस पे पावर 497 आ गया तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट आप देखिए ऑड नंबर है, 499 लास्ट का डिजिट है 9, इस पे ऑड नंबर का पावर है तो इसका वैल्यू आएगा आपका 9। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमको देखना है कि क्या 2, 3, 7, 8 और 0, 0 के यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 है उस पर कोई भी पावर है तो लास्ट डिजिट उसका आएगा 0, और उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है वो सबको 0 बना देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे 2, 3, 7, 8, लास्ट में यदि आपका 2, 3, 7, 8 है तो उस पर कोई भी पावर होने से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको ये ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना। 1, 5, 6, इस पर कोई भी नंबर आता है तो सेम नंबर आता है, इसको हम चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं किसी भी डिजिट के लास्ट, कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट यदि 2 है या 3 है तो उस पर कोई पावर है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसमें कि उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। देखिए आप इसको बेसिक समझिए, 2 पे पावर 1 है तो 2 हुआ, 2 पे पावर 2 तो 4, 2 पे पावर आपका 3 है तो 8,
टू पे पावर फोर है तो 16, टू पे पावर फाइव है 32, टू पे पावर सिक्स है तो 64। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपने पहले क्या समझा, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 1 है, 5 है, 6 है, तो उस पर कोई भी पावर दें तो लास्ट नंबर जो उसका आएगा, लास्ट यूनिट डिजिट होगा, वो आपका सेम नंबर होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है किसी भी डिजिट है उस पर पावर देंगे और लास्ट में देखेंगे किसके लास्ट में 1, 5 या 6 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2, 4, 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 2, 4, फिर 8 आएगा, तो ये 16 आ रहा है, लास्ट में देखिए 6 है। मीन्स 2 to the power 4 का मतलब होता है लास्ट डिजिट 6, ठीक है। तो अब जैसे ये देखिए 354 है, इसको हम क्या कैसे ब्रेक करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। 352 पे पावर है 353, तो इसके लास्ट यूनिट पे, इसके जो लास्ट डिजिट होगा उस पर कौन सा यूनिट आएगा, तो वो देखिए 352 है, इसको हम पावर करेंगे 353, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 से देंगे तो 8 5 8 4 जा 32, बाकी बचा 3 फिर 3, फिर होगा 8 32 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 353 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे हमने फार्मूला बताया हमारे लास्ट क्लास में कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उस फार्मूला का यूज करें। 353 इक्वल टू 4 into 88 plus 1, तो आप क्या देख रहे हैं, इसको हम 352 को क्या लिख सकते हैं, 352 के ऊपर पावर है आपका 353, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 352 के ऊपर पावर 4 और इसके ऊपर फिर पावर आपका होगा 88 इंटू 352 के ऊपर पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए 352 के ऊपर पावर 4, इसका लास्ट जो डिजिट आ रहा है 6, इसका यूनिट डिजिट जो भी आए नंबर इस पर 6 होगा और इस पर पावर 88 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट आपका हो गया 6, इसके साथ मल्टीप्लाई है 352, तो लास्ट में 2 है, इसका यूनिट डिजिट होगा 2, 6 2 जा 12 हो गया, तो लास्ट डिजिट आपका हो गया ये 2। तो इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप क्या करना है, यदि लास्ट का कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट में 2 है, तो वो जो आपका उसके ऊपर पावर है उसको आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, और यदि 4 से डिवाइड होने के बाद जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, यदि 4 पे पावर है तो उसका 6 हो गया, और यदि उस पर 3 रिमाइंडर बच रहा है मान लीजिए, तो 2 to the power 3 8 होता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 आ गया, 48 तो लास्ट डिजिट उसका हो जाएगा आपका 8। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको चलिए दूसरे एग्जाम्पल से भी आप एक बार और समझिए। सपोज आपका ये है 472, इस पे पावर है आपका 475, मान लीजिए 472 है, इस पे पावर है आपका 475, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको आप समझिए। हम क्या करेंगे, ये जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 47 इसको 4 से भाग दीजिए, डायरेक्ट शॉर्ट में 1 हो गया, 1 हुआ 35, 8 बच गया, 3 आपका लेफ्ट ओवर बचा, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 472 के पावर 4 इंटू 118 इंटू 472 के पावर 3, इसका यूनिट डिजिट होगा आपका 6, इसका यूनिट डिजिट होगा 8, तो 6 8 जा 48 इक्वल टू यूनिट डिजिट आपका 8 हो गया। तो इस तरह आप शॉर्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसी तरह हम 3 का समझेंगे, 3 का कैसे होगा, चलिए तो चलिए अब हम 3 का देखते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 3 है और उस पर कुछ पावर है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए इसको समझिए, 3 पे पावर 1 है तो इसका वैल्यू होगा 3, 3 पे स्क्वायर है 9, 3 पे क्यूब है 27, 3 पे पावर 4 है 81, 3 पे पावर 5 है 243। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 लास्ट में 1 हो, 5 हो, 9 हो, लास्ट में आपका 1 हो, 5 हो या 6 हो, क्योंकि उस पर कोई भी पावर करेंगे, कोई भी पावर उस पर देंगे तो उसका वैल्यू सेम आएगा। तो 3 पे पावर 81 है, इसको एग्जांपल से आप समझिए, जैसे आपका 243, इस पे पावर है आपका 244, तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए 3 पे पावर 4 का वैल्यू होता है, उसका लास्ट डिजिट 1 होता है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 244
सिक्स हुआ, 24, 4, 1 पूरी तरह ये कट गया, रिमाइंडर जीरो हो गया। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 243 इस पे पावर 4 और इस पे पावर लिख सकते हैं 61। इसका जो है लास्ट डिजिट है 1 और 1 के ऊपर पावर 61, तो इसका लास्ट डिजिट जो आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया होगा, 40 कोई भी लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का 3 और उस पे पावर है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या रिमाइंडर आ रहा है। जो रिमाइंडर आएगा उसके अनुसार इसको हम याद रखना होगा हमें। यदि 3 रिमाइंडर आ रहा है तो लास्ट डिजिट आपका 7 होगा, 2 आ रहा है तो 9 होगा, 1 आ रहा है तो 3 होगा और 0 रिमाइंडर है तो आपका 1 आएगा। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 4, 7, 3, 3 इस पे पावर है आपका 4, 7, 2, 5। मान लीजिए 4, 7, 2, 5 है तो क्या होगा इसका लास्ट डिजिट, इसको हम देख के बता सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट आपका 3 आएगा इसका यूनिक प्लेस पे। कैसे, तो 4, 7, 2, 5 है आपका, 4, 7, 2, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरी तरह कट जाएगा, लास्ट में रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो हमें इसका क्वेश्चन नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन का जरूरत नहीं, हमें रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, 7, 3, 3 इस पे पावर 4 और इस पे पावर हम कुछ भी हो x इंटू 4, 7, 3, 3 इस पे पावर 1, तो इसका वैल्यू आपका 1 होगा और इसका वैल्यू 3 लास्ट डिजिट जो है यूनिक डिजिट, यूनिक डिजिट 3 होगा तो इसका आंसर हो गया आपका 3। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी नंबर का यदि लास्ट डिजिट 3 है और उस पर कोई भी पावर है तो आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे और रिमाइंडर क्या आ रहा है उसके बेस्ड, उस पर बेस्ड हम उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका जो है 7 और 8 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि किसी नंबर का यदि यूनिट प्लेस पे 7 है या उसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर कोई पावर है तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको आप समझिए, देखिए 7 है, 7 पे पावर 1 दिया तो ये हो गया आपका 7, 7 का स्क्वायर किए तो 49, लास्ट डिजिट आपका 9 आ रहा है। 7 पे पावर क्यूब किए तो 343, लास्ट डिजिट 3 आ रहा है। 7 पे पावर 4 किए 2401, 1 आ गया। मैंने आपको क्या बताया, आपको सर्च करना है लास्ट डिजिट आपका 1 हो, 5 हो या 6 हो। 5 तो किसी के नंबर में ओनली 5 के स्क्वायर या 5 पे पावर कुछ भी हो तो उसी में 5 आएगा, आपको 1 और 6 मेनली सर्च करना है। यहाँ पे देखिए 1 आ गया, मीन्स 7 पे पावर 4 होता है तो उसका यूनिट प्लेस पे जो आता है नंबर, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आता है उसका वैल्यू होता है 1। तो इस केस में भी हम 4 से ही भाग देंगे उसके जो पावर है। 8 के केस में भी आप समझिए, 8 पे पावर 1 है 8, यहाँ पे देखिए 8 पे पावर 4 है तो लास्ट का जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो आ गया 6, तो उस पर भी पावर होगा तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या समझा, 1, 5, 6 यदि है तो उस पर कोई भी पावर है तो उसका लास्ट डिजिट आपका सेम आएगा 1, 5 और 6। आपका 4 है और 9 है, यदि ऑड नंबर है 4 पे तो वो होगा आपका वैल्यू 4, 4 पे यदि इवन नंबर है तो उसका वैल्यू होगा 6, 9 पे यदि ऑड नंबर है तो उसका वैल्यू होगा 9 और इवन नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट होगा 1। और जो बच गया आपका 2 बचा, 3 उसके बाद बच गया 7 और 8, ये 4 नंबर है तो इस पे यदि पावर कुछ भी है तो उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं आपका, जैसे है 7, 7, 7 इस पे पावर है आपका 7, 8, 7, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, क्या करेंगे हम 7, 8, 7 जो है इसको 4 से भाग देंगे, 7, 8, 7 4 से भाग देंगे क्या होगा, 1 हुआ 7, 3, 8, 9, 36, 2, 7, 6, 24 3 बचा। तो आप क्या देख रहे हैं, यदि इस पे पावर 4 है तो लास्ट वैल्यू 1 आ रहा है, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस पे पावर जो 7 पे पावर क्यूब क्या आ रहा है, 343, लास्ट का नंबर 3 है, इसका यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा
इसका यूनिट डिजिट पे ये 3 आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, मीन्स जो पावर होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे क्या रिमाइंडर बच रहा है। जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को हम सर्च करेंगे। 7 पे पावर आपका 3 क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट 3, मीन्स 3 हो गया। इसी तरह हम 8 का देखते हैं, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 4 7 8 8 आ गया, इस पे पावर है 4 7 3 8, 4 7 8 8 लास्ट डिजिट आपका 8 है, इस पे पावर है 4 3 4 7 3 8। तो इसको कैसे फाइंड आउट करें, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और सर्च करेंगे रिमाइंडर क्या है। 4 7 3 8 इसको हम करेंगे डिवाइड 4 से, तो होगा 1 4, ये बचा आपका 0 7 1 3 3 8 32 1 8 4 16, यहाँ आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो इस पे जो पावर होगा इसका वैल्यू 6 होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 7, सपोज 4 7 8 8 है, इस पे पावर है 4 7 3 8, इसको हम लिख सकते हैं 4 7 8 8, इस पे पावर 4 और इस पे पावर लिख सकते हैं 1 1 8 4 इंटू 4 7 8 8, इस पे पावर लिखेंगे, ये जो 2 रिमाइंडर बचा इसका वैल्यू आपका आता है 6, और 6 पे कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट उसका होगा 6, और इस पे पावर 8 के ऊपर 2 पावर है 64, इसका यूनिट डिजिट आपका 4 आ गया, ये वैल्यू हुआ 24, तो लास्ट डिजिट हो गया आपका 4। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, इसको आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, और इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।